नमस्कार, मैं हूं अंकित त्यागी। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत और आज हमारे खास कार्यक्रम KYC। जैसे कि आपको बार बार बता रहे हैं, ये KYC आपके बैंक वाला KYC नहीं है। मतलब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि अपना आधार कार्ड लिंक कर दीजिए और पैन कार्ड की डिटेल बता दीजिए। ये KYC एक अलग तरह का KYC है, नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जी हाँ, यानी कि जो जिन लोगों को आप वोट देकर अपना विधायक, अपना MP, अपने काउंसलर, अपने जनप्रतिनिधि को जिसको आप चुनकर भेजते हैं, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी पता है? क्या जीतने के बाद भूल जाते हैं वो सब? रोड शो हाथ हिलाने के बाद काम खत्म हो गया, अपना नमस्कार, उसके बाद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें क्या पता है और जनता उनके काम को कितना देखती है, कितना सराहती है? नेताजी को उनके घर से निकाल के, उनके कंफर्ट जोन से निकाल कर लेके जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता के बीच में नेताजी से पूछेंगे कि क्या काम किया और जनता के क्या क्या समस्याएं अभी उन्होंने सॉल्व करनी उनकी बची है। तो सीधे संवाद कराएंगे, काम हमारा यही है, जनता और नेता के बीच में सीधे संवाद कराने का, जिससे कि आप अपने सीधे सवाल उनसे पूछ सकें। तो आज KYC के इस खास एपिसोड में आपको लेके चलता हूं दिल्ली की राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जी हाँ, इस समय हम दिल्ली की राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दिल्ली की नई जो न्यू दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका हिस्सा है। और यहाँ पर MLA हैं आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा इस बार 2020 में जो चुनाव हुआ था दिल्ली में, उसमें जीत कर आए राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कितना पता है राघव को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में? और क्योंकि TV पे आप उन्हें अक्सर देखते हैं, तो TV के अलावा राघव जमीन पर कितना काम करते हैं, आज KYC में आपको उन्हीं से तारुफ कराएंगे। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं राघव के घर और फिर करेंगे आज राघव का KYC। चलिए। आइए सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। मैंने आपको कल बोला था कि आपका एक इंटरव्यू होना है। बिल्कुल, और ये थोड़ा डिफरेंट इंटरव्यू होना है। अच्छा, मतलब हर बार की तरह मैं आपसे बैठ के नहीं पूछूंगा कि आप पंजाब में क्या करने वाले हैं और दिल्ली में क्या करने वाले हैं। हाँ। राघव चड्ढा यंग विधायक हैं। हाँ जी। जीत के इस बार आए हैं। हाँ जी। तो राघव चड्ढा को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पता कितनी है? ठीक है। नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी और जनता आपके काम से खुश कितनी है? जरूर। आपको वहीं पर लेके जाएंगे, क्योंकि नेताजी का काम स्टूडियो से ज्यादा थोड़ा जनता के बीच में होता है। बिल्कुल वहीं पे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ, तो आपको इसीलिए मैंने अपना मास्क हटा दिया है कि हम दोनों कम से कम यहाँ पे ज्यादा जनता नहीं है, तो आपसे खुल के बात कर सकते हैं। मार्च के महीने में कोविड भी हो गया था, तो आप ट्रिपल वैक्सीनेटेड हैं। पूरा फुल प्रोटेक्शन है। ये बताइए कि आपका दिन कैसा रहता है? हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? सुबह लगभग 7:15 तक उठ जाते हैं। सबसे पहले तो 8-10 अखबार पढ़ते हैं, हिंदी अंग्रेजी के, कि देश में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। उसके बाद सुबह कई सारे लोग घर पे आ जाते हैं अपनी समस्याएं लेकर। सुबह सुबह मान लीजिए मेरे इलाके के कुछ लोग हैं जिन्होंने 8-9-10 बजे ऑफिस पहुंचना है, जो विधायक कार्यालय खुलने की इंतजार नहीं कर सकते, या कोई बहुत अर्जेंट जरूरत। कितने बजे खुलता है विधायक कार्यालय? 9:30 खोल देते हैं। 9:30 बजे पूरे 9:30। मेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि 9:30 से 9:31 नहीं होना चाहिए, 9:30 पे खुल जाना चाहिए। तो पूरे 9:30 खुल जाता है, लेकिन लोग यहाँ पर आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपर ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ, तो नीचे लोगों की एक भीड़, एक जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। फिर उनकी समस्याएं सुनना, कुछ लोगों को कोई चिट्ठी चाहिए होती है तो साइन करना, और किसी को किसी अफसर से कनेक्ट करना, DM से कह के काम कराना, SHO से कह के काम कराना, वो सारी चीज़ें कराते हैं। फिर सुबह 9 बजे के आसपास हमारी पार्टी की एक इंटरनल कॉल होती है, जिसमें कुछ गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन से और राजनीति से लेकर कई सारी चीज़ों पर चर्चा होती है। मतलब लगभग वैसे ही जैसी हमारी एक एडिट मीटिंग होती है, तय करने के लिए कि अब क्या आज का एजेंडा होगा। अब फिर जल्दी से नहा धो के निकलते हैं। ये थोड़ा सा जो नए आज के जो युवा नेता हैं, उनमें ये चीज़ें आ गई हैं, रिपोर्ट कार्ड एक साल की आपने छापी, पर उस रिपोर्ट कार्ड पर लोगों ने आपको नंबर कितने दिए वो आप लोगों से लेके पूछते हैं? जरूर। तो ठीक है, फिर चलिए। मम्मा आइए, हम आपको अपनी मम्मी से मिलाते हैं। That's my mother. नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? टाइम मिल जाता है राघव के साथ स्पेंड करने का? ये बड़ा गलत सवाल पूछा। रोज डांट खाता हूँ, ये तो शिकायत है मुझे।
तो राघव, गाड़ी में बैठने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने अपना जो KYC है उसको दो हिस्सों में बांटा है। एक तो जनता तय करेगी कि वोट मांगने के बाद क्या उन्होंने अपना सही फैसला किया राघव चड्ढा को चुन के। दूसरा है कि आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता कितना, उसकी एक थ्योरी टेस्ट लेंगे, एक रैपिड फायर करेंगे। जरूर, तो वो भी रास्ते में आपसे करेंगे और साथ ही साथ लोगों से मिलते भी। बहुत वेलकम, आइए, स्वागत है आपका। राघव चड्ढा के साथ अब हम चल जरूर चुके हैं और सबसे पहले जो इनका MLA ऑफिस है वहाँ पे हम चल रहे हैं। वहाँ पर जो लोग रोज़ की समस्याएं लेकर आते हैं उसको कितनी सुलझा पाते हैं और वहाँ पर लोग इनके काम से खुश कितने हैं उस पर बात करेंगे। आपको सीधे इनके MLA ऑफिस ले चलते हैं। सो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद मुझे नहीं पता कि पता होगा या नहीं, पर राघव एक CA हैं बाय प्रोफेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई उन्होंने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए राघव पढ़ाई लिखाई करके। तो ये बताइए कि जब भी CA का सोचते हैं तो लगता है कि बड़े बड़े क्लाइंट्स और काफ़ी सारा इनकम, तो अभी प्रैक्टिस कर हो पा रही है CA वाली या बिल्कुल अब छोड़ दिया है? नहीं, जब मैंने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त घर वालों से मांगी तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, चुनावी राजनीति से दूर रहना है, ये हम जैसे लोगों का हम नहीं कर सकते हैं, हम जैसी फैमिलीज इलेक्शंस नहीं लड़ती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उनको बड़ी मनाया, तो उन्होंने मुझसे एक दो वादे लिए थे, कहा था तुम प्रॉमिस करो, जिसमें से एक वादा ये था कि तुम कभी भी अपनी CA प्रैक्टिस बंद नहीं करोगे, CA प्रैक्टिस को जारी रखोगे और CA की प्रैक्टिस से जो कमाई होगी वो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, घर का चूल्हा उससे जलना चाहिए। पूरी तरीके से अगर पॉलिटिक्स पे अपनी अर्निंग के लिए निर्भर हो जाएंगे तो फिर वो तो ठीक नहीं है। इसीलिए जितनी ज़रूरत है तब उतनी चादर फैलाइए, जितना यू नो उतना ही पाँव फैलाइए जितनी बड़ी चादर है। तो हम अपने जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे मेंटेन करने के लिए जितनी एक बेसिक लेवल ऑफ इनकम आपको चाहिए वो करने के लिए ज़रूर आपके पास एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, जो मेरे केस में क्योंकि मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ है। MLA बनने के बाद मतलब क्लाइंट्स और बढ़े हैं या क्लाइंट्स नहीं, कम हो गए हैं राजनीति में आने के बाद कम हो गए हैं। बड़े लोग डरते हैं अब हमारे हस्ताक्षर से कि भाई BJP वाले देख लेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन लेने। तो जैसे कि घर पे राघव बता रहे थे कि इन्होंने अपने एक साल पूरे होने के, विधायकी के एक साल पूरे होने के, एक रिपोर्ट कार्ड छापा है। ये है रिपोर्ट कार्ड। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों के बड़े सारे दावे करे गए हैं, ये देखिए। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है किसी विधायक के लिए, ये जो उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जनता के विधायक। अब जनता का विधायक कितना जनता के बीच में रहता है, क्या ये फोटो के बाद नहीं रहते हैं, फोटो आपके बाद, ये आज पता चलेगा हमें पता। तो अभी हम इनके ऑफिस चल रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कितनी बार ये आते हैं और कितनी बार अपने वार्ड में अपने इलाके में लोगों से मिलते हैं। बढ़िया बुकलेट बनाई है आपने, इसका आज रिपोर्ट कार्ड का टेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ले लीजिए टेस्ट। काफ़ी सारे लोग इंतज़ार में हैं आपके। हाँ जी, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं सुबह सुबह। तो आकाश के भाई हैं आप? हाँ जी, जी। हाँ, मैं बात करता हूँ शमशेर सिंह से। हाँ, तो अभी भैया ने साथ में बोला कि ऑफिस में चले जाओ, शिवम होगा तो ज़रा बात अभी 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 करवा देते हैं। आप डिटेल लिखवा दो, मैं वहाँ अपने लोकल आदमियों को भेज के आपकी समस्या हल कर। ये हमारा एक छोटा सा ऑफिस है। कैसे हैं? बैठिए बैठिए। नमस्कार, क्या हाल है? बस बढ़िया, दे आप। बैठो बैठो। ये हमारा एक छोटा सा ऑफिस है जहाँ पे कागजी कार्रवाई होती है, कंप्लेंट ली जाती हैं, कंप्लेंट। और ये आपका कमरा है? ये मेरा कमरा है, यहाँ पे मैं, मेरा MLA ऑफिस का कमरा है। यहाँ पे भी थोड़ा, एक तो रिपोर्ट कार्ड हमारी छपी हुई बहुत सारी पड़ी हुई है। हाँ। और अरे ये तो जूनियर केजरीवाल तो शपथ ग्रहण वाले दिन, शपथ ग्रहण वाले दिन की फोटो है। ये बच्चा उसमें बड़ा फेमस हुआ। हाँ, ये एक छोटा सा ऑफिस है, थोड़ा अभी ऑर्गेनाइज कम है। ये क्या है? ये आपने अपना, ये काम है, वर्क चार्ट। ठीक है, अब मैं आपके और जनता के बीच में नहीं आऊँगा, पहले आप लोगों से मिल लीजिए और फिर लोगों से थोड़ी सी बात भी करते हैं। आइए आपको घुमाते हैं नारायणा में, हम एक स्कूल बनवा रहे हैं, आपको वहाँ ले चलते हैं। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, आओ चलिए, आइए। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? हमारी विधानसभा क्षेत्र का नारायणा में स्थित एक दिल्ली सरकार का स्कूल है, जिसे हम बाबा बाग वाला स्कूल भी कहते हैं। इसमें हम कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्लासरूम बना रहे हैं।
तो ये आने वाले टाइम में आपकी विधानसभा में एक बड़ा काम होगा, एक बड़ा काम होगा ये स्कूल। इसमें नारायणा गांव है पीछे, इस स्कूल के एकदम पीछे, वहाँ से हजारों की आबादी, घनी आबादी वाला क्षेत्र, उसमें कई बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। हाँ। नारायणा विहार से आते हैं, यहाँ लोहा मंडी है पीछे, सोनिया गांधी कैंप, राजीव गांधी कैंप, पिचासी कैंप, कई सारे क्लस्टर हैं, वहाँ के बच्चे आते हैं। यहाँ तक कि इंदरपुरी बुधनगर के इलाका भी जो है वहाँ से भी बहुत बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। विधायक साहब एक्सेसिबल हैं, आपको से मिल पाते हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा। हाँ, जब फोन करते हैं एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऑन कॉल। और जो उनका इन्होंने फोन नंबर दिया हुआ है, हाँ जी, 24 घंटे फोन करें उसी टाइम सर अवेलेबल रहते हैं, अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल है सर, 24/7। रात को 2:30 बजे भी अगर जरूरत पड़ती है तो मैंने खुद कॉल किया हुआ है इनको। अच्छा। मेरे फादर कोविड में वेंटिलेटर पे लग गए थे, तो 2:30 बजे इन्होंने मेरे फादर का पूरा इलाज करवाया, पूरे सुविधा दी। आज मेरे फादर इनकी वजह से लाइव है, बच गए हैं, नहीं तो गए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो मेरे लिए तो ये भगवान है। अरे नहीं, भगवान है मेरे लिए, सीरियसली। मेरे फादर खुद कहते हैं कि दूजा जन्म जेड़ा मेरा राघव जी का दिता है। ये भी नया है या पहले से था? नहीं, ये भी नया है, जिम लगवाया, झूले लगवाए हैं। हाँ। और ये बैडमिंटन कोर्ट। नमस्कार जी, इस्तेमाल कर पा रहे हैं इसका? ठीक है सर, बट थोड़ा सफाई उफाई का, सफाई का ध्यान रखें। विधायक जी सफाई करवा दीजिए। करवा दें, कैसे हैं? करा देंगे, है तो नगर निगम की जगह, नगर हाँ। निगम का पार्क, लेकिन हम ही कराएंगे, खाली ध्यान देंगे ना, करा देंगे। अच्छा ये बताइए, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बताइए कि जब इतने सारे आप जब मुझे अचीवमेंट गिनाते हैं, तो एज अ विधायक खुद भी आपको कई बार लगता होगा कि मैंने ये 5 काम सोचे थे जिसमें से मैं 3 करा पाया, 2 नहीं करा पाया, ऐसे 2 काम मुझे बताइए जो आपको। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जितनी रोड्स हैं, मैक्सिमम रोड्स, जो पतली सड़कें होती हैं आपके घर के बाहर, गली मोहल्ले की सड़कें, वो सारी MCD की होती हैं। वो मैं नहीं बनवा पाया हूँ, मैं बनवा सकता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो नगर निगम की ज्यूरिसडिक्शन में आती है। वो एक बहुत बड़ी चैलेंज है मेरे लिए। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंदरपुरी में एक नाला है जिसे हम कवर कराएंगे, और वो काफ़ी कंटेंशियस इशू है वहाँ का। एक पार्किंग की समस्या राजेंद्र नगर में बहुत बड़ी समस्या है, उसको कुछ एलिवेट कर पाएं? क्योंकि अभी भी हम जब रास्ते में आ रहे हैं तो दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी ही मिल रही हैं, मतलब मुश्किल है, छोटी गलियां हैं, उसको कैसे आप? दिल्ली की भी समस्या मेरे इलाके की खास करके है, जैसे जैसे पार्किंग स्पेसेस बनानी पड़ेंगी, पार्किंग लॉट्स बनाने पड़ेंगे, एलिवेटेड पार्किंग बनानी पड़ेगी। कई सारे मॉडल्स हैं जिस पर काम हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंस्टिट्यूंसी में एक करोलबाग का इलाका लगता है जहाँ पर एलिवेटेड पार्किंग बन गई, ऐसे भी कुछ मॉडल्स देखे गए हैं जिनको हम अपना सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर रीडिजाइनिंग ऑफ रोड्स के चलते ही किया जा सकता है, और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ पार्किंग लॉ से ही किया जा सकता है। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स है, नई दिल्ली ज़िला पड़ता है, तो नई दिल्ली के लोगों से कहकर, DM से कहकर हमने ये वैन यहाँ लगवाई है, और यहाँ वैक्सीन हो रही है, वैक्सीन ऑन व्हील्स। तो लोग यहाँ पर जो इतने आसपास के हैं वो आके यहाँ पर, ये जैसा कि मैंने बताया लोहा मंडी है, और पीछे कई सारे क्लस्टर्स हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, हमारे मजदूर भाई बहन रहते हैं। अब इनमें से बहुत, इनमें हेजिटेशन भी देखी गई, बहुत लोग शायद स्कूल नहीं जाकर वैक्सीन लगवाना चाहते थे, पर यह 50 कदम पे वैक्सीन की वैन आ गई है, जल्दी आओ और केजरीवाल सरकार की इस वैक्सीन वैन का फायदा उठाओ। मोदी जी कह रहे हैं वो फ्री लगवा रहे हैं, आप कह रहे हैं केजरीवाल जी? चलो मोदी जी को क्रेडिट लेने दीजिए, कोई बात नहीं, हम तो लगवा ही रहे हैं। आइए, कहाँ से आए हैं आप? लोहा मंडी से। हाँ जी। तो पहले वैक्सीन नहीं लगवाया था आप लोगों ने? नहीं लगा। नमस्ते सर। नमस्ते। तो अभी ये वैन लगा है तो इसके मतलब पास है, इस वजह से आए? हाँ जी। ये क्या गड्ढा खुदा हुआ है, क्या काम हो रहा है? ये एक बड़ी पुरानी हमारे गांव की एक वाटर बॉडी थी। हाँ। जो बर्बाद हो गई। बर्बाद क्यों हो गई? कूड़ा कचरा ड्रेनेज सारा सीवर यहाँ के जमा हो गया, पूरी वाटर बॉडी खो गई। हाँ। डिस्कवर ही नहीं कर सकते आप उसे। और जब मैं चुनाव के दौरान आया करता था तो अक्सर ये एक समस्या आया करती थी कि भाई यहाँ पे हमारा एक बड़ी सुंदर लेक हुआ करता था, वाटर बॉडी हुआ करती थी, ख़त्म हो गई। मैंने वादा भी किया था कि मैं इसे रिवाइव करूँगा, और कुदरती माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे दिल्ली जल बोर्ड जैसा विभाग मिला, तो अपने दिल्ली जल बोर्ड को कहकर मैंने यहाँ पे इस वाटर बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए काम शुरू कराया है। इस पूरी वाटर बॉडी को हम फिर से बनाएंगे, यहाँ ट्रीटेड वाटर आएगा, सुंदर सा एक लेक बनेगा,
इसके आसपास इकोलॉजिकल फ्लोरा फौना होगा, लोग आकर यहाँ शाम में बैठ के आराम से ठंड की सांस भी ले सकेंगे और एक वाटर बॉडी जो हमारे गांव की थी वो रिजुविनेट हो जाएगी। आप लोग कहीं गांव से ही हैं? गांव से हैं। तो क्या काम कर पाए हैं और क्या क्या समस्याएं हैं जो अभी बची हुई हैं? काम तो जो वादा किए थे करे, दो काम बाकी बचे बस। क्या काम है? चौपाल कम्युनिटी सेंटर दोनों का मांगा और एक शमशान घाट है, उसके लिए मैंने जमीन मांगी है DDAVC से। मेरी कल ही मुलाकात थी जो लैंड ओनिंग एजेंसी। ठीक है, इजाजत लेता हूँ, फिर आ जाओ। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जो मार्केट है उसकी ये बड़ी पुरानी दुकान है, बड़ी पुरानी और बड़ी फेमस दुकान है। 58 की दुकान है जी हमारी, मरकरी भी और ये पिशावर स्वीट्स। अच्छा जी, अपने बचपन में खूब आया टाइम कॉलेज के टाइम। बिल्कुल है, ये रहे मालिक है पिशौरी जी। कभी पहले ऐसा हुआ कि ऑर्डर लेना है, मतलब जब ये विधायक नहीं थे तो आपने मना कर दिया, आज खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे तो याद है हुआ है। मतलब ये दुकान तो आपकी फेवरेट है, पर जिस दुकान पे घर वाले भी आते हो वहाँ पे कभी गर्लफ्रेंड को तो लेके आ नहीं सकते? वो तो हुआ नहीं होगा कभी ऐसा कि चलो गुलगप्पे खिला लेते हैं? सारी चीजें आप ऑन कैमरा मत पूछिए। दुकान की मशहूरियत के चेहरे से झलकती है। अच्छा जी, ओके, हाँ जी, आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ। अच्छा, हम लोग न्यू इंद्रनगर में एक फैमिली है और पेशावर स्वीट हाउस हमारे डिस्पेंसर भी, हमारे वेंडर भी, हमारे सब कुछ है। अच्छा जी, दैट्स ऑल। आप राघव को देख लो ना, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं। देखो गुलाब जामुन खा खा के कैसे लाल हो गए हैं। शादी करानी रहे अपने विधायक की, आज आज हुक्म करे, आज पंजाब इलेक्शन में NCD इलेक्शन होने दो, शादी भी करा दे। मिठाई आपने बनानी पड़ेगी। थोड़ी सी हम पेट पूजा कर लेते हैं, अभी क्या वो मंगवा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि राघव ने हमारी मेहमान नवाजी में क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं। दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी चार साल और बचे हैं आपके लिए, अगले चार साल का मुख्य एजेंडा क्या होगा? डिपेंडिंग ऑन द सोशो इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ दैट एरिया जी, इश्यूज बदलते हैं। तो इलाके वाइज हमने एक, मेरी इंटरनल टीम जो मेरे साथ काम करती है, हमने एक 50 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। हाँ, गूगल ड्राइव पर है और हम सब उसको समय समय पर रिव्यू करते हैं। तो पेट पूजा के बाद वापस आपके घर की ओर चलते हैं। आइए, और वहीं पर खत्म करेंगे आज का दिन। आइए, स्वागत है आपका। कुछ रैंडम रैपिड टेस्ट फायर राउंड कर रहे हैं कि आपको पता कितना है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। वो तो पता होता है कहाँ पे कितने वोट मिलने वाले हैं, कहाँ पे आपका वोट बैंक है, कहाँ बीजेपी का वोट बैंक है, लेकिन बाकी कॉन्टोर्स कितने पता है उसके बारे में आपसे पूछने वाला हूँ। आप डरा रहे हैं मुझे। तैयार हैं आप? तैयार हैं, पूछिए, कोशिश करेंगे जवाब देने का। चलिए, कितने DM हैं आपके इलाके में? क्योंकि हमारी विधानसभा बीचों बीच है, तीन ज़िले लगते हैं तो हमें तीन DM से काम पड़ता है। कितने पुलिस स्टेशन हैं? राजेंद्र नगर थाना, इंदरपुरी थाना, नारायणा थाना, ये तीन तो हमारे अंदर विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इलाका हमारी विधानसभा का और थानों में भी लगता है, जिसकी ज्योग्राफिकल ऑफिस जो है, लोकेशन जो है, वो हमारे इलाके के बाहर है, जैसे कि करोलबाग थाना, प्रसाद नगर थाना, या पांडव नगर के पास रंजीत नगर का थाना लगता है। तो आप कह सकते हैं तीन विधानसभा क्षेत्र के भीतर हैं और तीन बाहर हैं, जिनका कुछ कुछ एरिया हमारे इलाके में लगता है। बस अब बंद कर दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? ये तो आपकी सरकार की पेट स्कीम है। एक, दो, चार मोहल्ला क्लिनिक, चार अभी हॉस्पिटल हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल चार हैं, गंगाराम सबसे बड़ा हॉस्पिटल उसमें पड़ता है, फिर हमारा मेट्रो हॉस्पिटल पड़ता है, चार हॉस्पिटल पड़ते हैं। और सरकारी अस्पताल बनाने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ अपनी विधानसभा में। एक भी नहीं आपकी विधानसभा? हाँ, अंदर नहीं पड़ता, ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं पड़ता है। बाहर है, बाहर हैं दो चार, लेकिन अब अपनी विधानसभा में बनाएंगे जल्दी। अच्छा, सरकारी स्कूल? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात हैं शायद, सात स्कूल हैं। सही जवाब दे रहे हो यार, सात। अच्छा ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूछता हूँ। एक बड़ा फेमस स्टार भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी,
कई सारे स्टार हैं। गौतम गंभीर मेरी विधानसभा में रहते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में उनका घर है। हालांकि वो लोकसभा एमपी ईस्ट दिल्ली से हैं, लेकिन वो खुद उनका परिवार आज से नहीं सालों से, उनकी पैदाइश भी यहाँ की है। मुझे लगता है ये वही थे कि तंजीद आपको पूछने के लिए हाँ, ले जा सकते थे। वो तो लिखवा देंगे कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं नहीं वो भी अंदर बंद कमरे में तो वो भी मेरी तारीफ करते हैं, मुझे लगता है वोट भी मुझे ही देते हैं शायद, लेकिन वो रहते हैं। और भी कई सारे स्टार्स यहाँ से गए हैं, शाहरुख खान रहा करते थे यहाँ पे। कुछ काम है जो लोगों के काम जो अभी होने बाकी हैं? बारहवीं के बोर्ड एग्जाम में मेरे 92% आए थे, कम से कम 92 तो दीजिए। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट मार्किंग करूंगा तो मैं आपको 85% दे दूंगा। देखिए उनका अभी आपको उनका शमशान बनाना है, अभी आपको थोड़े से और काम करने हैं, प्लस जो लो हैंगिंग वायर्स हैं उसका आपने कहा कि उस पर अभी बड़ा नहीं काम तो करेंगे। अभी तो 1.5 साल ही तो हुआ है विधायक बने, अभी तो 3.5 साल बाकी है। 5 साल बाद 5 साल और बाकी है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ अभी 90 दे दूंगा, काम करना बंद कर दोगे तो 85 पर रखते हैं, जिसको उठाकर आप 95 तक ले जाना जब हम आएंगे। 90 से कम नंबर आते हैं तो घर पर डांट पड़ती है, तो देख लीजिए अब आप चाहते हैं हमारी मम्मी हमें डांट। देखिए मैं ये दर्शकों पर छोड़ देता हूँ कि आप कितने नंबर इनको देंगे, लेकिन मोटा मोटा, और अभी साल भी क्योंकि अभी 1 साल से थोड़ा सा समय ऊपर हुआ है तो काम अभी काफ़ी होने बाकी है। शुरुआत काफ़ी कामों की हो गई है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शुरुआत काफ़ी कामों की हो गई है। अरविंद जी ने इस अपने युवा साथी के कंधों पर कई जिम्मेदारियां दी हुई हैं, और मैं बस इतनी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं बखूबी निभा सकूँ, जिसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र मेरी प्रायोरिटी थी है और सदैव। हमारे लिए सबसे ज़रूरी था कि आपकी विधानसभा के बारे में आपसे जान सकें, आप कितना जानते हैं ये देख सकें। थैंक यू सो मच राघव, थैंक यू मिलने के लिए। थैंक यू, और सब आए और आते रहिए, और अगली बार आएंगे तो फिर एक और बार एक राउंड ऑफ छोले भटूरे लेंगे यार, आप वजन बढ़वा देंगे हमारा। थैंक यू, थैंक यू राघव।